Ah, por ahí. हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आउटर बॉल बेरिंग के बारे में। बहुत से भाई बॉल बेरिंग बनाते हैं मशीनों पे, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत यूजफुल है। आप देखते रहे किस तरह से आउटर के रिंग में बना रहा हूँ और टूल पाथ क्या होगा, तो उसके बारे में आप देखते रहे किस तरह से मैं टूल चलाऊंगा और क्या क्या इसमें एक्यूरेसी है, वो सारी चीज बताऊंगा। आउटर रिंग जिसमें बोल लगती है, उसके बाद इनर में इनर और आउटफिट के बीच में बोल लग जाती है, तो इस लर्निंग के ऊपर आउटर रिंग बनाते हैं, जिसका प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक साइज दे रखा है 15.1 का फेस है, टोटल फेस थिकनेस है पीस की, जिसकी ओडी है 52.17 और बोर का साइज है 43.26। आप ड्राइंग पे ध्यान दीजिएगा और इसकी फिनिश जो रेडियस है वो है 5.43, बट मारूंगा इसके ऊपर आर 4.95 का, और यहाँ 12 डिग्री का यहाँ एंगल है, दोनों साइड में है, ये इधर का पूरा मिरर है, इधर एक साइड में 12 डिग्री का ओडी पे चैम्फर है और फेस पे है 30 डिग्री का। तो दोस्तों आप देखोगे कि किस तरह से मैं कोऑर्डिनेट निकाले, कोऑर्डिनेट के लिए आप ऑटोकैड की सहायता ले सकते हो और मैनुअली भी आप निकाल सकते हो। अगर आपकी गणित अच्छी सी है तो आप अच्छे से निकाल सकते हो। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट सेटअप बढ़ाऊंगा, फर्स्ट सेट फर्स्ट सेटअप क्या क्या बढ़ाऊंगा। फर्स्ट सेटअप में मैं पूरा बोर निकालूंगा एक साथ, ये सेकंड सेटअप में निकालूंगा और ओडी आधी टर्न करूंगा। यहां से पकड़ लिया मैंने पीस को, तो आधी टर्निंग करूंगा इसकी, ये इसको छोड़ दूंगा और आधी टर्निंग करने के बाद सेकेंड ऑपरेशन में इसको फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऑडिट का एक टूल चलाऊंगा और जो बेरिंगों में जो मटेरियल आता है, कटिंग मटेरियल आता है, वो आता है 1 mm से ज़्यादा, 1 या 1.5 mm से ज़्यादा नहीं आता। बोर में भी इतना ही आता है और ऑडिट फेस पे भी इतना ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 mm या 0.5 से लेकर 1 mm के बीच में आता है मटेरियल हमेशा। तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट सेटअप का प्रोग्राम, फर्स्ट सेटअप में अगर मैं सीमेंट्स का प्रोग्राम यूज करूंगा तो आप ध्यान से देखना, मैंने रिंग लिख लिया, प्रोग्राम नंबर लिख लिया रिंग आउटर डाया 52.17। ठीक है दोस्तों, ये मैंने प्रोग्राम का एक नाम लिख दिया है सीमेंट्स के हिसाब से बता रहा हूं मैं, सीमेंट्स का प्रोग्राम बता रहा हूं। तो रिंग आउटर डाया 52.17 लिख लिया। इसके बाद में अगर अपनी ज्यादातर बेरिंग है फ्लैट बेड मशीनों पे बनती है, ज्योति जैसे DX100 मशीन आती है उस पर ज्यादातर इस टाइप के बेरिंग बनते रहते हैं। टरेट वाली मशीन नहीं है, तो टरेट वाली होती तो मैं कमांड को सो रेज करता, लेकिन मैं फ्लैट बेड के हिसाब से प्रोग्राम बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं टूल नंबर यूज करूंगा T01D1M6। ठीक है दोस्तों, ये टूल नंबर एक है, एक नंबर ऑफसेट है और M6 टूल चेंज का कमांड है। तो इस तरह से मैं सीमेंट्स में लिख रहा हूँ, इसमें लिख भी सकते हैं अपन टूल ओडी फिनिश। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपन इसको लिख भी सकते हैं, टूल ओडी फिनिश का है T01D1M6। टूल नंबर एक है, ऑफसेट नंबर एक है, कटेज 1 है, अपन कटेज सीएनसी सीमेंट्स के ऊपर 4 कटेज यूज करते हैं, D1, D2, D3 और D4। आप D1, D2, D3, D4 में से कोई भी ऑफसेट यूज कर सकते हो,
मैं यहाँ D1 यूज कर रहा हूँ, D2 भी अपन यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि अपन D2 उसमें टूल ऑफसेट के पेज में एक्टिव करें। तो चार आप एक ही टूल के लिए चार ऑफसेट यूज कर सकते हो हमेशा। मैक्सिमम लड़के क्या करते हैं, D1 ही यूज करते हैं, तो उनको इतना थोड़ा सा ज्ञान नहीं होता कि D1, D2, D3, D4 अपन यूज कर सकते हैं। तो किसी भी टूल के लिए अपन चार कटिंग यूज कर सकते हैं, D1, D2, D3, D4। इसका ध्यान रखना, टूल ऑफसेट इसके अलग अलग आएंगे चारों में। अब एक टूल के लिए एक यूज कर रहा हूँ T1, फिर मैं लूंगा G96, S250, M3। ये 200 कटिंग स्पीड होगी मेरी 250, ठीक है। उसके बाद लिमिट आएगी LIMS बराबर 2500-3000 डाल देता हूँ मैं M3। ओके, इसके बाद G0, G40 ले लेता हूँ, क्योंकि आउट भी चलेगी और एक्स्ट्रा मटेरियल आ सकता है। तो अपन सेम यहाँ पे आ गया, फिर फेस करूंगा यहाँ तक 43.27 है, तो इससे मैं नीचे ले लूंगा 40 तक। G01, X40, F0.2, 40 तक मैंने फेस कर लिया। फेस करने के बाद मैं आगे चलूंगा, टूल को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से जेड में लेने के बाद मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे बना रहा हूँ। आप ध्यान से देख लो एक बार, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में लिखो और उतार भी सकते हो पेज पे। जेड बन डाल दिया, जेड बन डालने के बाद फिर मैं ऊपर जाता हूँ। 48.67 से अपना चैम्फर स्टार्ट है, 48.67। तो G0 जेड मैं 46 ले लेता हूँ, ठीक है। 46 लेने के बाद, सॉरी, एक्स एक्स 46, फिर मैं एक्टिव करेगा G42, क्योंकि टूल में तो G42 कंपनसेशन लगेगा। तो G01, एक्स 48.67, जहां से चैम्बर लगेगा मैं वहां जा रहा हूँ, Z0, F0.2, ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है। आगे फिर मैं चैम्फर की वैल्यू लगाऊंगा, चैम्फर मेरा दे रखा है G01 में, चैम्फर लगता है 01, X49.78, ये 49.78 तक चैम्फर है। 2 जेड माइनस 0.32, फील्ड यहाँ कम रखूंगा मैं, क्योंकि चैम्फर पे अपनी फिनिशिंग चाहिए अच्छी। उसके बाद मैं चैम्फर लगने के बाद रेडियस लगाऊंगा R2 की, तो G03 लगेगा दोस्तों। G03 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कमांड है G03, तो G03 में अपन चलाएंगे रेडियस को 3 4, ये, और यहाँ पे CR बराबर आएगी 2 F0.1। तो CR यूज करते हैं हमेशा अपन सीमेंस के कंट्रोल में, चाहे वो 802D हो या 828 हो, दोनों सिस्टमों में CR ही काम आएगा। इवन सीमेंस की जो भी सिस्टम है उनमें सब में CR ही लगता है टर्निंग सेंटर के अंदर। तो G03 X51.69, 51.69 जेड माइनस 1.64, और आर आगे अपनी 2। तो इस तरह से रेडियस लग गई। इसके बाद चैम्फर है G01, G01 X 52.17 जेड माइनस, मैं 15 पॉइंट आधे फेस से 1 mm ज्यादा अपन इसको टर्निंग कर लेते हैं, ओडी टर्निंग। तो ये 15.1 है, तो 8.1 तक मैं ले लेता हूँ उसको, जेड माइनस 8.1 F0.1, सॉरी यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, 2.78 आएगा चैम्फर की वैल्यू, 2.78 ये चैम्फर लग गया। अब इसके बाद में 12 डिग्री का चैम्फर है, यहाँ पे लिख सकते हो 12 डिग्री चैम्फर, ठीक है। अब आप ये तो चैम्फर की वैल्यू होगी, फिर मैं सीधा चलूंगा स्ट्रेट G01 एक्स सेम रहेगा, 12.1 ले लेता हूँ, F0.25। यहाँ मैं बढ़ा लेता हूँ फील्ड, क्योंकि यहाँ पे ग्राइंडिंग होता है बेयरिंग हमेशा। तो यहाँ अपन ओडी पे
फील्ड ज़्यादा ले लेते हैं, जिस साइकिल टाइम अपना बचे, रेडियस चैम्फरों पे हमेशा अपन कम लेके चलते हैं चैम्फर इस सॉरी फील्ड, क्योंकि वो फिनिशिंग अच्छी सी है और वो ग्राइंडिंग नहीं होता, तो वहाँ पर फिनिशिंग अच्छी मांगते हैं कंपनी वाले, इसलिए अपन फील्ड चैम्फर रेडियस पे कम लेके चलते हैं, और भी जहाँ ग्राइंडिंग होगी, फेस ग्राइंडिंग होगी, वहाँ बढ़ा के चलते हैं। तो ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। फिर ये अपना कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं इसको ऊपर उठा लूंगा टूल को, G0 G40 40 देना जरूरी है, नहीं तो मशीन अलार्म दे देगी, और G0 G40 X55 पे ले लेता हूँ, ठीक है, Z50 दे देता हूँ। ये अपना फेस ओडी और चैम्फर का प्रोग्राम बन चुका है। इसके बाद मैं ये बोर बनाऊंगा टो नंबर टूल से सीधा, फिर T02 D1 M6 ये टूल नंबर 2 है फॉर बोर फिनिश का टूल है दोस्तों। तो यह मैं लिख भी दे रहा हूँ और प्रोग्राम में लिखना भी जरूरी है कि लड़के कंफ्यूज रहते हैं कौन सा टूल किस काम में आ रहा है, तो इसलिए लिखना जरूरी है। फिर मैं G96 कटिंग स्पीड यूज करूंगा, H250 के आसपास रख लेता हूँ, M3 फिर लिमिट दूंगा मैक्सिमम एक्सपेंडल स्पीड की, वो लिमिट है जैसा अपन LMS बराबर 3 हो गया, जैसा अपन फार्म सिस्टम में G92 के रूप में देते हैं वहाँ पे यह लिमिट यूज करते हैं LMS के रूप में 3000, तो 3000 से ज़्यादा मेरा वो नहीं जाएगा स्पिंडल, तो मैं 3000 मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड ले रहा हूँ। उसके बाद अब ये मिटा रहा हूँ, इसके बाद मैं टूल का मोमेंट दूंगा। तो दोस्तों ये अब देखते रहिए अच्छे से, G40 यूज करूंगा, एक्स मेरा डायमीटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 45.13 से रेडियस स्टार्ट हो रही है, तो एक्स मैं 47 ले लेता हूँ और जेड 2 ले लेता हूँ। इसके बाद मैं G41 एक्टिव करूंगा, G01 G41 एक्स 45.13, ठीक है, और जेड 0 ये मैं जहाँ से रेडियस स्टार्ट होगी उस पॉइंट पे आ गया हूँ 41 यूज करके G41। तो G41 यूज करके फिर मैं रेडियस लगाऊंगा G02 में लगाऊंगा, क्योंकि क्लॉक वाइज है, G02 एक्स 43.27 और जेड माइनस 0.87 तक है ये रेडियस R2 की, जेड माइनस 0.87 और CR बराबर 2 F0.1, ठीक है। उसके बाद मैं स्ट्रेट लिख जाऊंगा सीधा इस तरह से, कहां तक 15.1 तक, G01 एक्स G01 जेड माइनस मैं 16 ले लेता हूं, ताकि वो सेकंड के लिए भी फेस का मटेरियल मिलेगा, तो मैं एक्स्ट्रा लेके चलूंगा F0.2। यहां पे मैंने फीड बढ़ा दिए। कई बार दोस्तों क्या है, बोर में टेपर आता है इस पे और उस पे, उन दोनों एंडों पे जब चेक करते हैं कि इस पे, तो अपन को टेपर दिखाई देता है। टेपर एडजस्टमेंट करने के लिए अपन यहाँ एक्स की वैल्यू और लिख देते हैं, ताकि उसमें एडजस्टमेंट कर सके। एक्स 43 पॉइंट, अगर मेरा यहाँ माइनस आता है तो मैं इसको बढ़ा के लिख लेता हूँ, 30 पर निकल जाए। उसके बाद एक्स और जेड दे दिया, फील्ड में दूंगा 0.2, 0.2 से 0.25 तक आप यूज कर सकते हो। ये अपना जेड की वैल्यू आ गई, पूरा बोर फिनिश हो चुका है। फिर G0 G40 G0 G40 एक्स 42 दे दिया, फिर G0 जेड 50। तो ये दोस्तों एक साइड से मेरा बेयरिंग बन चुका है, जिसमें यहां से ये कट गया और सीधा बोर बन गया। ये हो गया फर्स्ट सेटअप का। तो फर्स्ट सेटअप को प्रोग्राम बनाने के बाद फिर मैं सेकंड सेटअप पे आऊंगा। सेकंड सेटअप के लिए यह मैं इसको एंड कर देता हूँ। प्रोग्राम बनाने के लिए कुछ चीजें सेम रहेगी, जैसे कि मैं लिख देता हूँ सेकंड सेटअप, ठीक है दोस्तों। सेकंड सेटअप में
अपना ओडी और रेडियस चैम्फर का प्रोग्राम सेम रहेगा, दोबारा लिखने की जरूरत पड़ी मैं लिख लेता हूँ, T01 D1 M6। दोनों चीज में दोबारा मैं रिपीट करूंगा, फिर मैं वही जाऊंगा G96S250M3 और LIMS बराबर 3000। ठीक है दोस्तों, ये मेरा रिपीट कर रहा हूँ, चाहे तो आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं सेकंड सेटअप में, या फिर आप लिख भी सकते हो G96 लिख दिया, G0 G40 X55 Z0, फिर G01 फेस करूंगा, G01 X40 तक F0.2। ठीक है दोस्तों, 0.2 की फील्ड मैंने ले लिए, फिर G0 T2 में सेम कंपनसेशन लगेगा और Z-0.32 F0.1। इस तरह से मैंने ये मैं मिटा देता हूँ, फिर रेडियस को बढ़ाऊंगा G03 X 51.69 Z-1.64 और CR बराबर 2 F0.1। ठीक है, फिर G01 X 52.17 Z-2.76 उतना ही जितना उसमें था F0.2। ठीक है, इसके बाद G40 देना जरूरी है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, X55 और Z20। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा टूल से ये मैं ये लगा दूंगा चैम्फर, दो नंबर टूल से, तो चैम्फर सिर्फ रेडिस लगाएंगे, रेडिस लगाएंगे क्योंकि अपना मोड तो पहले बढ़ चुका है, तो यहाँ सिर्फ ध्यान देने वाली बात है, कॉपी पेस्ट करो तो आप सिर्फ रेडिस ही लगाओगे, जो बोलिंग बार आप ऑडियो यूज कर रहे हो एक्स माइनस में आप उससे रेडियस भी लगा सकते हो ताकि अपना टूल सेफ रह जाए। तो T02 यूज करूंगा, D1 M6 G97 G96 S 250 M04, अगर मैं उसी बोरिंग बार को नीचे से यूज कर रहा हूं तो LIMS बराबर 2500 ले लेता हूं, फिर G0 G40 और इससे अच्छी तरह से अपना प्रोग्राम भी बन जाता है, कंपोनेंट भी अच्छा होता है। इस तरह की बोरिंग बार ले लेंगे, G7 की डायमीटर की अपनी बोरिंग बार ले लेंगे, Dia 25। ठीक है, Dia 25 बोरिंग बार लेने के बाद मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, T03 यूज करूंगा, T03 D2 यूज कर लेता हूँ। ठीक है, D1 हो सकता है मैंने किसी दूसरे कंपोनेंट में यूज कर रखा है, तो अपन सेम रख सकते हैं, तो D2 में यूज कर रहा हूँ इसके लिए, M6 G96 S 280 ले लेता हूँ, M3 ये डाल दिया, प्लस डायरेक्शन में है, लेफ्ट की बोरिंग बार पे M3 यूज करूंगा, और फिर LIMS बराबर 3000। ठीक है, लिमिट लेने के बाद फिर मैं टूल को ले जाऊंगा G0 G40 करके, X 43 का है डायमीटर अपना बोर का, तो मैं X 40 ले लेता हूँ और Z 2 ले लेता हूँ, ताकि टूल अपना पहले बाहर खड़ा हो जाए फिर मैं अंदर लेके जाऊंगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले एक रफ कट लगाऊंगा, 4.1 Z की वैल्यू है और ये लगाऊंगा 11 तक, तो मैं यहाँ Z-4.1 3 mm तक अंदर रेकॉर्ड में लेके जाऊंगा ताकि साइकिल टाइम अपना बचा है, फिर G01 G41 X और Z-4.1 F0.2 ये मैंने यहाँ रख लिया टूल को, जहां से अपन के रफ कट लगेगा। उसके बाद G03 चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, G03
एक्स तो अपना सेम रहेगा 43.27 और जेड की वैल्यू चली जाएगी 11 तक, जेड माइनस 11 और सी आर बराबर 4.97, एफ 0.2 आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अगला ये मिटा देता हूं। इसके बाद में टूल आएगा, बाहर ले लूंगा नीचे G0, G40, X40। ठीक है, फिर मैं वापस चले जाता हूँ माइनस साइड में, प्लस साइड में जेड की G0, Z-1.5 ले लेता हूँ। यहां से यहां आने के बाद फिर मैं ये चैम्फर दे रखा है, एक यहाँ चैम्फर है और यहाँ चैम्फर है और रेडियस है 5.43 के। तो फिर मैं वापिस चला जाऊंगा G01, G41, X43.27 और Z-2.93 और फीड दे देता हूँ 0.2 की। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट अपना आ गया। उसके बाद यहाँ एक एक्स की वैल्यू और है, एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 44.12। फिर मैं जाऊंगा G01, X44.12, Z-3.87, F0.1। ठीक है, उसके बाद में फिर काउंटर क्लॉकवाइज रेडियस लगेगी अपनी G03, X सेम रहेगा 44.12 और Z-11.23 और CR बराबर हो जाएगा 5.43, F0.15। ठीक है, उसके बाद फिर मैं चैम्फर लगाऊंगा, यहाँ पे सेम चैम्फर जो ये आपका था उतना ही है, G01, X 43.27 तक आ जाऊंगा, यहाँ तक ये डायमीटर सेम है 43.27। ठीक है, तो X 43.27, Z-12.17 और फील्ड 0.12 दे सकते हो। इसके बाद ये प्रोग्राम बनाने के बाद अपना टूल को नीचे उतार लेता हूँ, G0, G40, X40 और फिर Z20 दे देता हूँ। कूलेंट ऑफ कर देंगे M09 से और M30। तो इस तरह से दोस्तों अपना पूरा प्रोग्राम आउटर रिंग का बन जाता है। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया कि किस तरह से अपन प्रोग्राम बनाते हैं बेयरिंगों के लिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताई है, तो आप शायद आपकी समझ में आ गई होगी। और जो भाई अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आप लोगों की आवश्यकता के अनुसार प्रोग्राम बना के बता सकूं आपको और आपकी समस्याओं का समाधान मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।